हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ मिस्ट्री में प्रशांत सिंह पे। तो कैसे हैं साथियों आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट टू। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट वन कर रखा है, तो चलिए पूरे जोश पूरे एनर्जी के साथ कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है क्लास के। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, आज के सेशन को बहुत शानदार सेशन को बनाते हैं, अलजेब्रा का पार्ट टू। चलिए, तो अगर सबसे पहला कंसेप्ट पार्ट वन हमने कर रखा था, पार्ट टू में आज हम बात करते हैं कि अगर एक्स बराबर रूट ए प्लस रूट बी बटे में रूट ए माइनस रूट बी अगर हो, और अगर आपसे पूछता हो एक्स माइनस वन बटे एक्स क्या होगा, ये कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए एक्स इक्वल टू इतना दे रखा है, तो अगर वन बटे एक्स जब मैं निकालूंगा जस्ट इसका उल्टा, यानी रूट अंडर ए माइनस बी और बटे रूट अंडर ए प्लस बी होगा। किसी साथी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स माइनस वन बटे एक्स पूछ रहा है ना, तो एक्स माइनस वन बटे एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी माइनस वन बटे एक्स यानी रूट ए माइनस रूट बी बटे में रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका इसका रिजल्ट आप सभी को याद रखना है साथियों, रिजल्ट जो होता है फोर रूट ए बी बटे में ए माइनस बी, ये डायरेक्ट याद रखना है। इसके पहले वाले में हमने जो पार्ट वन हमने कराया था साथियों, उसमें हमने बताया था फॉर्मेट यही था, लेकिन अगर यहां पे प्लस होगा तो क्या होगा मैंने बता रखा था, और उस पर मैंने क्वेश्चन भी करा रखा था। आज मैं बात कर रहा हूं कि अगर फॉर्मेट में ये हो और माइनस अगर बीच में हो साथियों, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, ये होता है। ठीक है, यानी ये जो है साथियों ये क्या है x है, और ये जो है क्या है 1 बटे x, यानी इसका रेसिप्रोकल उल्टा है, तो रिजल्ट क्या होगा फोर रूट ए बी, यानी रूट के अंदर जो a है रूट के अंदर बी है। ये फॉर्मेट दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अभी इसका हम लोग प्रूफ जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्रूफ हम लोग देखते हैं कैसे हुआ। तो अगर एलसीएम नीचे वाले में लेंगे तो रूट ए प्लस रूट बी बटी में सॉरी माइनस रूट ए माइनस रूट बी एलसीएम होगा, और कटेगा जब तो यहाँ पे ऊपर में रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और माइनस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, इसको जब साथियों तोड़ेंगे तो बहुत सिंपल सा फंडा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, और इसको जब तोड़ेंगे ब्रैकेट में रख लेते हैं तो a प्लस बी माइनस का टू रूट ए बी, बहुत सिंपल से हम बेसिक से तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, बटे में a प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट ए प्लस रूट बी है ना और रूट ए माइनस रूट बी है ना। तो आप लोगों को फॉर्मूला में बता रखा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो यहां पे a माइनस बी हो जाएगा, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको मैं अगर ब्रैकेट से तो निकालूं बाहर तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी क्या माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ए ए कट जाएगा बी बी कट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा फोर रूट ए बी और बटे में ए माइनस बी, ये आपका क्या होगा रिजल्ट हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आपने क्या देखा कि अगर एक्स इक्वल टू ये फॉर्मेट दिया हो और एक्स माइनस वन बटे एक्स करे तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है फोर रूट ए बी बटे में ए माइनस बी। ए कहाँ है, रूट के अंदर है, बी कौन रूट के अंदर है, बी फॉर्मेट याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक्स का वैल्यू दे देगा, एक्स माइनस वन बटे एक्स पूछ देगा, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मेट ही दे देगा पूछ देगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट आप सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैसे भी पूछे रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या है एक्स है, ये क्या है वन बटे एक्स है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्वेश्चन, x बराबर रूट पांच प्लस रूट तीन बटे में रूट फाइव माइनस रूट तीन, और आपसे साथियों पूछता है x माइनस वन बटे एक्स क्या होगा, तो क्या आप नहीं बता सकते हो क्या, डायरेक्ट रिजल्ट याद फोर रूट ए बी बटे में ए माइनस बी, तो फोर ए की जगह फाइव है, बी की जगह थ्री है, और बटे में ए माइनस बी यानी पांच माइनस तीन, चार रूट पंद्रह, पांच तीन पंद्रह,
और 5 में से 3 गया, 2, यानी 2 से 2 कटा, यानी 2√15 इसका आंसर हो जाएगा। कोई किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए अगर ये सेम क्वेश्चन ही बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स का पावर अगर 150 दे दे बराबर रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 7 दे दे, बटे में रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 7 दे दे, और एक्स 150 माइनस 1 बटे एक्स का पावर 150। बात वही है, एक्स का पावर 150 दे रखा है साथियों। फॉर्मेट फॉर्मेट देखिए, रूट ए प्लस रूट बी बट्टे में रूट ए माइनस रूट बी। जब 1 बाई एक्स का पावर 150 करेंगे, यानी जस्ट इसका उल्टा, तो फॉर्मेट वही बनने वाला है, फॉर्मेट वही बनने, तो कोई बात नहीं है। बस याद रखना साथियों कि एक्स का पावर यहाँ पे अगर दे रखा है और बस उसका पूछ रहा है, फॉर्मेट वही बनने वाला है। इसका भी डायरेक्ट कैसे निकलेगा, 4√ab यानी 11 × 7, और बट्टे में 11 में से जब 7 जाएगा तो कितना होगा, 4, 4 से कटा 4 यानी 77, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी बस फॉर्मेट याद रखना है, माइनस का फॉर्मेट हो, रिजल्ट क्या बनेगा, 4√ab बटे में a माइनस बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। √5 + √3 बटे में √5 − √3 माइनस √5 − √3 बटे में √5 + √3 इज इक्वल टू 2√m। पूछ रहा है क्या साथियों, m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा इंक ले लूं। m का वैल्यू क्या होगा, इसको देखते दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए रिजल्ट क्या होता है। 4√ab यानी 4√ab यानी 5 × 3 बटे में 5 − 3 होगा। इसको देखते दिमाग में तुरंत फिट करना चाहिए, कितना आएगा, 4√15 बटे में 2, 5 में से 3 गया 2 होगा, और 2 से 2 बार में काटेंगे यानी 2√ कितना आ गया, 15 हो गया, ठीक है। मैं आप सभी को समझा रहा हूं इसलिए मैं स्टेप वाइज स्टेप लिख रहा हूं, वरना आप एक लाइन में इसको कर सकते हो, ठीक है ना। और इतना बराबर ये दे रखा है ना, यानी 2√15 बराबर कितना दे रखा है, 2√m। कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू कितना हो गया साथियों, m का वैल्यू 15 हो गया, और इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 15 होगा। आई होप आप सभी को ये बातें समझ आ गई होंगी। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 + √5 बटे 7 − √5 माइनस 7 − √5 बटे में 7 + √5 बराबर 7√5 बटे 11 ए प्लस बी दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए प्लस बी बटे ए माइनस बी क्या होगा, ये क्वेश्चन है पूछ रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा साथियों। देखिएगा क्या होगा, इसको देखते एक बात दिमाग में आना चाहिए कि रूट ए प्लस रूट बी बटे में रूट ए माइनस रूट बी ये फॉर्मेट होने चाहिए, लेकिन यहां पे रूट में 7 नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रूट में इसको ले सकते हो। रूट में कैसे लोगे, √49 + √5 √49 जब बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, −√5 माइनस √49 + √5। किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कैसे निकालेंगे, 4√ab, ab यानी 49, a के जगह 49 है, b के जगह 5 है रख देंगे। अब नीचे a माइनस बी यानी 49 में से जब 5 माइनस करेंगे तो होगा क्या साथियों, 44। 4 से कटेगा 11 बार में और ये बाहर निकलेगा तो 7√5 बटे 11 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, और इतना बराबर दे रखा है ये, तो हमने इसको सॉल्व किया आया ये, और इतना बराबर साथियों क्या दे रखा है, 7√5 बटे 11 ए प्लस बी। अब देखिए यहां पे ए की जगह मैं क्या √1 और +0 इसको मैं लिख सकता हूं। अब कंपेयर कर दूंगा,
तो ए का वैल्यू कितना आएगा, वन आ जाएगा, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों, जीरो आ जाएगा। ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू जीरो, तो यहां पे पुट कर देंगे ए बराबर वन बी बराबर जीरो, ए बराबर वन बी बराबर जीरो, तो रिजल्ट हमारा जो उत्तर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बातें समझ आ गई होंगी। तो हम लोग आगे और नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। मैं बता दूं, देखो ये सब अभी जो हम लोग बेसिक बेसिक से कर रहे हैं ना, यानी ये हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब टाइप पे वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग धीरे बढ़ते जब चलेंगे तो इस सबका मिक्सअप एक साथ, मतलब इसका भी और भी कंसेप्ट का एक साथ यूज होगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा आसानी से, हर एक चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है। बस पेशेंस रखना है, आगे बढ़ते हैं साथियों। इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है साथियों, एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर अगर दो है, इफ एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर दो, तो एक्स इक्वल टू जो होता है वन होता है, यानी एक्स और उसका मतलब यहां पे जो है उसका रेसिप्रोकल का सम अगर दो के बराबर है तो एक्स बराबर क्या होगा, वन होगा रिजल्ट में, ठीक है ना। कैसे हुआ इस चीज को जान लेते हैं। तो एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर दो, एलसीएम लेंगे एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर दो एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो गया, वन निकल के आ गया। तो यानी एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर दो, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। आइए इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा, इफ एम प्लस वन बटे एम बराबर दो, यानी इसका और इसका रेसिप्रोकल का सम अगर दो है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 19m³ प्लस 41 बटे m का पावर 32 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बहुत सिंपल सा फंडा है, m प्लस वन बटे m बराबर दो, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया। बस यहां पे पुट कर देंगे 19 × 19 और 1 का क्यूब प्लस 41 बटे एम, यानी 1 का पावर 32, तो यहां पे कितना 19 हो जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस यहां पे कितना 41, तो 9 एक 10 का 0, 4 एक 5 एक 6, यानी आंसर हमारा कितना हो गया साथियों, 60 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों, एम प्लस वन बटे एम प्लस टू बराबर जीरो अगर दिया है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एम प्लस टू का पावर 13 माइनस 14 बटे एम प्लस टू का पावर 19, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हमें पहले फॉर्मेट बनाना होगा, एक्स प्लस वन बटे एक्स इज इक्वल टू टू का फॉर्मेट बनाना होगा। कैसे बनेगा, दोनों तरफ अगर मैं दो जोड़ देता हूं तो एम प्लस टू प्लस वन बटे एम प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो में दो ऐड करेंगे दो हो जाएगा, यानी इधर भी दो मैंने ऐड किया इधर भी दो ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जब फिर इधर जाएगा टू तो जीरो हो जाएगा, टू टू कट जाएगा। तो यानी देखिए ये एक्स और बटे वन बटे एक्स इज इक्वल टू टू का फॉर्मेट बन गया, यानी एक्स की जगह क्या एम प्लस टू है, तो एम प्लस टू बराबर क्या वन नहीं होगा, क्योंकि एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर अगर दो होता है तो एक्स इज इक्वल टू वन होता है, एम प्लस टू इज इक्वल टू वन हो गया। तो यहां से निकालना क्या हमें, हाँ तो हमें निकालना क्या है, देख सकते हो आप एम प्लस टू का पावर 13, तो एम प्लस टू का वैल्यू कितना वन आ गया, यानी वन का पावर 13 माइनस 14 बटे एम प्लस टू का वैल्यू वन का पावर 19, तो यानी वन का पावर 13 यानी वन माइनस 14, तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया, माइनस का 13, और इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, माइनस का 13 होगा। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी को ये बातें भी समझ आ गई होंगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
m प्लस वन बटे m प्लस टू का वैल्यू अगर जीरो है तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसको और इरेज कर दें, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है m का पावर फोर माइनस थ्री एम क्यूब प्लस सिक्स एम स्क्वायर माइनस नाइन एम प्लस 13 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहले फॉर्मेट बनाना होगा, x प्लस वन बटे एक्स बराबर टू का फॉर्मेट बनाएंगे, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर m प्लस टू क्वेश्चन ही ना है, हाँ m प्लस वन बटे एम प्लस टू बराबर जीरो, तो दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, दो अगर ऐड कर देते हैं साथियों तो एम प्लस टू प्लस वन बटे एम प्लस टू बराबर टू हो जाएगा। इधर भी दो ऐड किया मैंने, इधर भी दो ऐड किया, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वन बटे एक्स का इक्वल टू टू का फॉर्मेट बनाने के लिए। अब देखिए ये एक्स की जगह हो गया ना, तो एम प्लस टू इज इक्वल टू कितना होगा साथियों, वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर अगर दो होता है तो एक्स इज इक्वल टू वन होता है। तो एम प्लस टू इज इक्वल टू वन, तो यहां से एम का वैल्यू जो होगा माइनस का वन होगा, एम कितना होगा माइनस का वन होगा। अब देखिए एम माइनस का वन यानी माइनस वन का पावर फोर माइनस थ्री इंटू माइनस वन का पावर थ्री प्लस सिक्स इंटू माइनस वन का पावर टू माइनस नाइन इंटू माइनस वन और प्लस का 13। अब देखिए जब भी ये माइनस वन का पावर क्या है, तो पावर अगर इवेन होता है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होता है, पावर अगर ऑड होता है तो रिजल्ट हमारा निगेटिव होता है। तो माइनस वन का पावर इवेन, इवेन किसे कहते हैं, जो टू से डिवाइड हो जाए, तो इवेन पावर, तो यानी रिजल्ट वन होगा। माइनस यहाँ पे माइनस वन का पावर है ना थ्री, तो पावर ऑड है तो रिजल्ट निगेटिव होगा, यानी रिजल्ट कितना निकलेगा, ये माइनस वन, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का थ्री प्लस, या माइनस वन का पावर टू करेंगे यानी वन पॉजिटिव आएगा, वन को सिक्स में करेंगे यानी सिक्स होगा। माइनस यहाँ पे माइनस पावर क्या वन है, यानी रिजल्ट निगेटिव होगा, तो माइनस माइनस क्या प्लस का नाइन हो जाएगा और प्लस का 13। अब सिंपल सा फंडा है, सबको ऐड कर देना है, तो 6 3 9 9 18 और 18 10 28 यानी 2 4 32 यानी आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बातें समझ आ गई होंगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ करना है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल सिंपल सा चीज है, तो बेसिक सी चीज चल रही है, बहुत बारीकी समझिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत बारीकी समझना साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि m प्लस वन बटी m माइनस टू का पावर फोर सॉरी इक्वल टू फोर हो, और आपसे a नंबर में पूछ रहा है कि a नंबर में कि 19 19 है, m माइनस टू का पावर 14 प्लस 13 बटे एम माइनस टू का पावर 15, ए में ये पूछ रहा है, ठीक है ना, और बी नंबर इसी में एक और पूछ रहा है क्वेश्चन कि एम का पावर 4 माइनस 3 एम का पावर 3 प्लस 6 एंड एम का पावर 2 माइनस 19 एम प्लस का 1, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए वैल्यू क्या होगा। तो पहले वही फंडा फिर करेंगे, एक्स प्लस वन बटे एक्स इक्वल टू टू का फॉर्मेट बनाएंगे, तो दोनों तरफ से इस बार क्या करना होगा, टू को माइनस करना होगा, तब तो एक्स बटे वन बटे एक्स बनेगा ना, तो एम माइनस टू प्लस वन बटे एम माइनस टू बराबर, जब ये दो माइनस करेंगे तो चार में से दो गया, क्या होगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दो इधर से भी माइनस किए, दो इधर से भी माइनस किए, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं है। तो ये देखिए फॉर्मेट x प्लस वन बटे एक्स इज इक्वल टू टू यानी फॉर्मेट बन गया, तो x इज इक्वल टू कितना होता है वन होता है, तो m माइनस टू बराबर कितना होगा वन होगा, किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए a नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले a नंबर को, तो 19 इंटू m माइनस टू, m माइनस टू का वैल्यू कितना है वन है, तो वन का पावर 14 प्लस 13 बटे m माइनस टू का वैल्यू वन यानी वन का पावर 50, तो यहां से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा,
और वहां से कितना 13 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 9 3 12 1 1 2 1 3, यानी आंसर यहां से कितना, ए का आंसर 32 हो जाएगा। ए नंबर का वैल्यू कितना हो गया, 32। अबे बी में क्या करना होगा, एम का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या नहीं निकाल लेंगे, एम का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो बी नंबर की बात करें, अगर बी नंबर की, तो एम का वैल्यू कितना, 3, तो यानी 3 का पावर 4, 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2, 19, 3 और प्लस 1। तो यहां जब 3 का पावर 4 करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, और 27 को 3 में करेंगे तो 81। तो यहां से 81 माइनस 3 का क्यूब करेंगे 27, और 27 को 3 में फिर करेंगे तो 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 को 6 में करेंगे तो 54 माइनस 9 तीगा के 57, 57 होता है, और प्लस 1 हो गया 81, 81 कट जाएगा, 54 में एक ऐड करेंगे तो 55 माइनस 57, तो रिजल्ट हमारा कितना होगा, माइनस का 2 होगा, यानी आंसर हमारा कितना आ गया साथियों, माइनस का 2 आ गया। आई होप आप सभी को ये बातें समझ आई होंगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ए हमने सॉल्व किया आंसर 32, बी को सॉल्व किया माइनस 2, और क्वेश्चन में गिवन दे रखा था, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा इधर उधर दिया रहेगा, फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट कर लेना, यानी x प्लस 1 बटे x इज इक्वल टू, अगर 2 दिया हो तो x का वैल्यू जो होता है क्या होता है साथियों, 1 होता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें और क्वेश्चन है साथी, हर एक चीज को मैं उधेड़ के रख दूंगा, और जब मिक्स करवाएंगे तो और मजा आएगा, बहुत हर एक चीज कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2m प्लस 1 बटे 2m बराबर 2 दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि 2 इंटू 1 बटे m का पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 बटे m का पावर 3 क्या होगा, ये करना है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, x प्लस 1 बटे x का फॉर्मेट आप सभी को दिख रहा होगा, यानी जो यहां पे है उसका रेसिप्रोकल यहां पे है, यानी उल्टा यहां पे है, तो बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो x यानी ये x यानी 2m का वैल्यू कितना हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा। अब हमें यहां पे क्या चाहिए, 1 बटे m का वैल्यू चाहिए, तो यहां से जब m बटे में जाएगा तो 1 बटे m का वैल्यू जो होगा क्या वो 2 नहीं हो जाएगा, अब यहां पे पुट कर देंगे तो 2 और 1 बटे m बराबर 2 दिया है ना, तो 2 का पावर क्या करेंगे, 4 कर देंगे, प्लस 3 इंटू 1 बटे m 2 है तो 2 का पावर 3 कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 का पावर 4, 2 दूनी के 4 8 16 होता है, यहां पे 16 कर देंगे, प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस 8 3 के 24 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो रूट का 56 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा, रूट अंडर 56 होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें भी समझ आ गई होंगी, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन के और रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, m प्लस 1 बटे m बराबर अगर 2 दिया हो, और आपसे अगर पूछ रहा है m स्क्वायर प्लस 1 बटे m स्क्वायर और m क्यूब प्लस 1 बटे m क्यूब क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बस आप सभी को दिख रहा होगा कि फॉर्मेट क्या है, x प्लस 1 बटे x बराबर 2 का फॉर्मेट है, तो x इज इक्वल टू यानी m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां पे पुट कर देंगे 1 के यहां पे 1 स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 स्क्वायर, यहां पे 1 क्यूब प्लस 1 बटे 1 क्यूब, यानी 1 स्क्वायर 1, यहां पे भी 1 यानी 2 होगा, यहां पे भी 1 प्लस 1 2 होगा, यहां 2 इंटू 2 यानी उत्तर हमारा आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, वो 4 होगा। तो आई होप आप सभी को ये बातें भी समझ आ गई होंगी।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे, इसके आगे करेंगे कि अगर x प्लस वन बटे एक्स बराबर अगर माइनस टू हो तो रिजल्ट क्या होगा, उस पर भी बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। ठीक है, ये अभी देखिए मैं हर एक चीज में कवर कराते चल रहा हूं, ठीक है, और आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा, बहुत मैक्सिमम लेवल तक, यानी शून्य से लेके शिखर तक हम लोग हर एक चीज को सीखते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बातें समझ आ गई होंगी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आगे के सेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय योर डे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा आप सभी को, ठीक है ना, कोई डाउट परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर होता है कोई डाउट या कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।